हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पार्ट टू ऑफ अर चैप्टर 1.8 पॉइंट एट वर्यजिंग टॉवर्स एक्सीलेंस लास्ट लेक्चर जो है हमारा पार्ट वन बच्चों जिसके अंदर हमने देखा है किस तरीके से हमारे जो ऑथर है अच्युत गोडबोले जी ने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया अपनी चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने आई में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके क्रैक करके अपने स्कूल में हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट रहकर यूनिवर्सिटी में रैंक ला कर IIT में एडमिशन लिया कई दिक्कतें आई उनको जैसे इंग्लिश को लेकर कुछ प्रॉब्लम था बट लास्ट में उन्होंने उसका भी सोल्यूशन निकाला हार मानने के बदले उन्होंने क्या किया उन्होंने मेहनत की और कहीं ना कहीं वो मेहनत का नतीजा जो है उनको आगे देखने मिला जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन कर पाए मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती बच्चों काफ़ी मेहनत लगती है जब हमको ऐसी किसी पोजिशन पर आना होता है तो, तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो चुका था अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को ओके okay. कमिंग बैक टू माई ग्रुप्स इन आई आई टी माई फ्रेंड्स वेर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट दैन मी बट दे वेर वेरी वेल रेड यानी कि अब जब मैं बात कर रहा करूँ अपने ग्रुप्स के बारे में आई में जो मेरे फ्रेंड्स थे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन काफी ज़्यादा समझदार भी थे पढ़े लिखे भी थे अच्छे खासे दे हैड इंटरेस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस टेक्नोलॉजी सोशोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी आंथ्रोपोलॉजी आर्क्योलॉजी पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा तो यानी कि उनको अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज था ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पर ही फोकस करूँ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दूँ नहीं दूसरे सब्जेक्ट से भी अगर कोई नॉलेजेबल चीज़ आपको मिलती है तो हम हमेशा डिराइव कर सकते हैं ऐसे नॉलेज को आ ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज ब्रांचेज अपार्ट फ्रॉम ऑल द फाइन आर्ट्स यानी कि इन सारे ब्रांचेज में भी इंटरेस्टेड थे इंटरेस्टेड थे? एक तो हमने यहां पर सारे सब्जेक्ट्स देख लिए हैं, उसी के साथ साथ उनका इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स में जैसे कि म्यूजिक हो गया लिटरेचर हो गया पेंटिंग्स हो गए स्कल्पचर्स हो गए इन सारी चीजों में भी उनको उनके ग्रुप को इंटरेस्ट था इन शॉर्ट अ ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनी थिंग अंडर द सन यानी कि कोई भी चीज़ जो काम की हो और हमको मिले तो हर एक चीज़ के अंदर हमारे ग्रुप मेंबर्स को इंटरेस्ट था एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस और जो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है ऐसे सारे ही सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर हमारे ग्रुप मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. तो यानी कि मैं इस ग्रुप की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गया क्यों क्योंकि भाई इतना अच्छा ग्रुप है मेरा देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा है तो हमेशा ऐसे ही संगत को ऐसे ही संगत का ऐसे ही ग्रुप का हिस्सा बनकर रहो जहाँ पर उनका भी फायदा है मेरा भी फायदा है नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वे पार्ट ऑफ आर करिकुलम एट आई आई टी बट अगेन आई नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन अब वो बोलते हैं कि ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है इसमें से जो कि मेरे आई आई टी का हिस्सा था इंजीनियरिंग का हिस्सा था बावजूद इसके मैंने कभी मार्क्स के लिए किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है हमेशा उनको एक्सीलेंस चाहिए होता था नॉलेज चाहिए होता था इसीलिए वो सब्जेक्ट को पढ़ा करते थे I never studied for scoring marks in any examination. Here was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life. तो so, यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे सामने क्या था? Knowledge, ज्ञान का समुद्र था, और मुझे उस समुद्र में उतर जाना था पूरी तरीके से। आई थॉट वॉज नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ और ये जो है कौन सी एग्जामिनेशन पास कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी की एग्जामिनेशन है तो वो पास करने के लिए मुझे समुद्र में उतरना पड़ेगा कौन से समुंदर में ज्ञान के समुंदर में विच वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट पासिंग आई आई टी एग्जामिनेशन जो सिर्फ और सिर्फ आई आई टी एग्जामिनेशन पास करने से भी जरूरी था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर ऑन एन एक्सपर्ट इन ऑल दिसजेक्ट्स बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी यू टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट यानी कि हमारे ऑथर हमको बोल रहे हैं देखो मैं हर एक सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता सोशोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी सब में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना मैं तो मैं क्या करता था एटलीस्ट इन सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को ले लिया करता था कि कभी लाइफ में अगर जरूरत पड़े तो मुझे कुछ तो बेसिक नॉलेज है इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इसीलिए वो क्या करते थे इन सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स को समझ लेते थे एनी ऑफर्सिली चॉप द ग्री एक्सामिनेशन एंड माइग्रेट टू दूस हाउर इवन टाइंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड हाउ इट and एंड सर्विंग इंडिया हाउ पीपल far फार मोर to us तो यानी कि वो बोलते देखो में से कोई भी ग्री की एग्जामिनेशन अगर दे देना तो आराम से पास हो सकता है और फिर जाकर यू एस में सेटल हो सकता है वहाँ जाकर काम कर सकता है लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है इंडिया जो है वो ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया को सर्व करें और इंडिया की जो लोग हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देफ ओ आई प्लर्स इन टू ऑल दीज ब्रांचेज ऑफ नॉलेज और इसीलिए मैं कूद पढ़ा किसमें ये सारे ही ब्रांचेज ऑफ नॉलेज को इकट्ठा करने में इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिलेशर मी रिलेश का मतलब होता है एक न्यू रिवोल्यूशन मेरे लिए था वी यूज टू डि डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी बिग बैंग थियरी के बारे में बात करते थे एथेटिक्स के ऊपर बात करते थे लिटरेचर फिलोसॉफी इकोनॉमिक्स और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स है दिन निकल जाते थे रात रात बीत जाती थी लेकिन हमारा जो डिस्कशंस था इन सब्जेक्ट में हमेशा चलते रहता था माई कबर वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेरायटी ऑफ टॉपिक्स अब इनका जो कबर है वो किससे है ऐसी सारी बुक्स से भरा है जिनके अंदर वैराइटी ऑफ टॉपिक्स आपको सीखने मिलेगा इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी दैट वी हैव बीन एबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस अब बच्चों यहां पर इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि आज जो हमने इतनी तरक्की कर रखी है चाहे आप बात करो साइंस की टेक्नोलॉजी की सोशल साइंस की ये तरक्की हमने क्यों की है क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है ना जैसे आपको अगर पता करना हो कि आज बिग बॉस का विनर कौन बनने वाला है तो एक क्यूरियासिटी होती है भले आप नहीं देखो लेकिन जानना होता है कौन बना बिग बॉस का विनर भले मैं नहीं देखता हूँ लेकिन मुझे जानना है ऐसा ऐसा कोई फेवरेट शो होगा एक रैप शो है हसल हसल का विनर कौन बना एमसी स्क्वायर बना है वो बना है या पैराडॉक्स बना है तो क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की तो ये जो उत्सुकता होती है जानने की बस इसी वजह से आज हम लाइफ में क्या कर पाए हैं साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंसेस में हमारी कंट्री जो है वो और कंट्री के लोग जो है वो तरक्की कर पाए हैं I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility and humanity that is concern for a fellow human beings. लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं limitations मुझे दिखते हैं क्यों limitations क्यों है यहाँ पर लेकिन लिमिटेशन तो बहुत है लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ पे proud भी बहुत है कि हमारे में जानने की उत्सुकता है humility है और उसी के साथ साथ humanity, इंसानियत भी है इंसानियत यानी कि सारे इंसानों के हित में आप लोग सोच रहे हो आई लर्न दीज वैल्यूज ज्यूरिंग माई आई आई टी डेज तो ये मैंने कब सीखा ह्यूमिलिटी ह्यूमैनिटी और कंसर्न दिखाना क्यूरियोसिटी ये सारी चीजें मैंने अपने आई आई टी जब पढ़ाई कर रहा था तो उन, उन दिनों में मैंने सीखा है आई ऑल्सो बिकेम अ फॉर्म बिलीवर इन रैशनलिज्म एंड इक्वालिटी फॉर ऑल कास्ट क्रीड रेसिस जेंडर एंड रिलीजन तो बेसिकली इनके जो ओपिनियंस हुआ करते थे वो बहुत ही रैशनल हुआ करते थे मतलब ऐसे ओपिशन जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे नॉलेज के ऊपर हुआ करते थे कहीं ना कहीं उसका एक बेहतर रीजन हुआ करता था किसी रिलीजन के ऊपर स्पेसिफिक किसी कास्ट के ऊपर स्पेसिफिक सोचकर इनके रीजन नहीं हुआ करते थे आई स्टार्ट ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन तो उन्होंने क्या किया नेचर जो है उसको गॉड मानने लग गए और ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत जो है उन्होंने क्या मान लिया उसको एक धर्म एक रिलीजन जो है वो मान लिया I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for ten days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for rupees 125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed thirteen houses in Mumbai, and finally settled on information technology as my career. अब ये बोलते हैं जैसे ही इन्होंने आईआईटी पास कर दिया था उसके बाद की थोड़ी सी जर्नी हमको देखना है उसके बाद हम सीधे इनके बत्तीस साल के एक्सपीरियंस पे आ गए ना आईआईटी पास कर लिया इन्होंने ने पास करने के बाद एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट जो ट्राइबल्स होते हैं आदिवासीज होते हैं जिनको हम ग्रीजन्स बोलते हैं तो उनके लिए इन्होंने एक मूवमेंट जो है उसका हिस्सा बन गए विद सर्वोदया जो कि एक संस्था है फिर पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह एक सत्याग्रह उन्होंने चालू किया था इन ट्राइबल्स के लिए इन्होंने उसको क्या किया पार्टिसिपेट कर दिया और जब ऐसे पीसफुल सत्याग्रह में आप गए तो कहीं ना कहीं फिर डेफिनेटली जेल भी जाना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि जब हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें भी आती है उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा उसके बाद दस दिन के लिए जेल गए वापस से मुंबई आए जॉबलेस थे यानी उनके पास कोई जॉब ही नहीं था फिर उन्होंने कहीं पर एज सुपरवाइजर काम किया जहां वर्कर्स को सुपरवाइज करना था तो उनको पर मंथ पर मंथ का एक रुपया मिलता था उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया नाइट uh, शिफ्ट में काम किया मैकेनिकल वर्कशॉप में काम किया है थर्टीन हाउसेज इन मुंबई यानी कि तेरह घर इन्होंने चेंज किया और फाइनली सेटल हो गए कहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी फील्ड में इन्होंने अपना करियर जो है वो बना लिया आई spent थर्टी टू ईयर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउट ऑफ विच आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि इन्होंने बत्तीस साल जो है अपने लाइफ के जो है वो आई टी की आई टी इंडस्ट्री में दे दिए जहाँ पर ये कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जो हमने पहले भी देखा है प्रीवियस पार्ट में भी देखा है कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं सॉफ्टवेयर हेड है रह चुके हैं तेईस साल के लिए बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिनके लिए इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है दुनिया भर में इनके छः ऑफिसेस रहे हैं यूएस में तीन रहे हैं यूरोप में जापान में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है I had to travel all over the globe around 150 times for business. फॉर बिजनेस अब बिजनेस के सिलसिले में इनको क्या करना पड़ता था दुनिया भर में जो है वो घूमना ही पड़ता था कम से कम डेढ़ सौ बार तो बाहर की इनकी टूर जो है वो रहती है ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड ऑल्सो रिटर्न फोर बुक्स विथ फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड पेजेस ईच ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि अब आई टी से ही रिलेटेड इन्होंने क्या किया बुक्स जो है वो लिखना शुरू कर दिया पाँच सौ से सात सौ पेजेस की इनकी बुक रही है जिसके पब्लिशर जो रहे वो 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 टाटा मैग्रो हिल रहे एंड देन ट्रांसलेटेड इन टू चाइनीज़ फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के साथ साथ उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में भी उन्होंने क्या किया है ट्रांसलेट किया है ताकि ग्लोबली वो बुक जो है वो हर जगह क्या हो सके डिस्ट्रीब्यूट हो सके आई लर्ंट अ लॉड ऑफ थिंग्स वैन आई वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज द फर्स्ट वन वॉज दी इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क तो जब मैं इस कंपनीज़ में काम कर रहा था कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव कहीं पर एम डी कहीं पर सी ई तो यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखनी मिली है उसमें से एक चीज़ जो मुझे सीखनी मिली है वो क्या है टीम वर्क आपस में मिलकर काम करना इन टू डेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर एंड एन इगुस्टिक पर्सन तो आज के जमाने में टीम वर्क ना हो तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं और हमेशा अकेले रह जाओगे अगर आप अपना ईगो लेकर बैठ जाओगे तो सेकेंडली यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ और आपको हमेशा एक गुड लीडर बनकर रहना है अगर आप अच्छे लीडर रहोगे तो आपका स्टाफ जो आपका फॉलोवर है तभी आपको फॉलो करेगा तो आप अगर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे तभी लोग आपको सराहेंगे तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे थर्ड वॉज दैट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कोलिग्स इसके साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके अंडर काम करते हैं हमेशा उनको अपने कलीग्स को अपने फ्रेंड्स के जैसा ट्रीट करो in my career i made a few mistakes but learnt a lot about motivation मैंने अपनी करियर में गलतियाँ भी बहुत की है सीखा भी बहुत कुछ है जैसे मोटिवेशन के अगर बारे में बात करें मैंने बहुत सारा मोटिवेशन सीखा है मैं एक अच्छा listener, बहुत ही अच्छा लिसनर रहा हूँ बींग अ गुड लिसनर बहुत ज़रूरी है टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है आर्ट ऑफ डेलीगेशन डेलीगेशन का मतलब होता है काम को डिस्ट्रीब्यूट करना बांट देना वो बहुत ज़रूरी है विच फॉर्म सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज मैनेजमेंट तो आज जो हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल ये एक डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा है तो ये डेफिनेशन हमको

After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love. दैट इज टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिटेंस अब इतनी सारी कंपनियों के साथ जब मैंने काम कर लिया तो मुझे अपने पहले प्यार के पास वापस जाना था इनका पहला प्यार क्या था लिटरेचर रीडिंग एंड राइटिंग इनको बहुत पसंद था राइट तो उनको कुछ चीज़ें लिखनी थी कुछ सब्जेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर है ह्यूमन एक्जिस्टेंस के ऊपर है इन्होंने सोचा मुझे कुछ तो लिखना है देर फॉर आई गेव अप टू ऑफर्स ऑफ अराउंड थ्री करोड़ रुपीज पर एनम टू बिकम अ राइटर इसलिए उन्होंने दो ऑफर को क्या कर दिया ठुकरा दिया जो कि तीन करोड़ पर एनम यानी कि एक साल में उनको तीन करोड़ जो है वो मिलेगा ये उनको सैलरी का ऑफर था लेकिन उन्होंने इस जॉब को ठुकरा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या करना था उनको राइटर बनना था दिस इज हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज अ राइटर इन मराठी बिगेन और इस तरीके से मेरे करियर की शुरुआत हुई किसकी एक राइटर की एक राइटर मराठी लैंग्वेज में जो लिखना चाहते थे वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी After दिस आई हैव रिटन अबाउट थर्टी फोर बुक्स इन मराठी इसके बाद उन्होंने कितनी लिखी है थर्टी फोर बुक्स जो कि मराठी लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है मोस्ट ऑफ देम for ईच यानी कि कुछ बुक्स ऐसी रही हैं इनकी जो कि बेस्ट सेलर बन चुकी है बेस्ट सेलर यानी कि सबसे ज्यादा बिकी है सबसे ज्यादा पब्लिक की डिमांड रही है तो thousands ऑफ कॉपीज उसकी क्या हुई है बिकी है

माई बुक बोर्ड रूम ऑन मैनेजमेंट ओके तो इनकी एक बुक है बोर्ड रूम करके मैनेजमेंट के ऊपर हैज क्रिएटेड एटलीस्ट ट्वेंटी सक्सेसफुल एंट्रप्रनियोर्स तो ये बुक ने बीस सक्सेसफुल एंट्रप्रनियोर्स क्या की है क्रिएट की है देन देर आर हंड्रेड हु नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स ऑर एनडीटीवी प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन इकोनॉमिक्स अर्थात तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब हमने आपकी ये बुक पढ़ी अर्थात तो वो पढ़ने के बाद हमको अब इकोनॉमिक टाइम्स और एन प्रॉफिट चैनल जो है जो कि यूजअली नंबर्स में बात करते हैं जो जैसे कि शेयर मार्केट की बात हो गई या फिर इकोनॉमी की बात हो गई तो क्योंकि इनकी बुक पढ़ी अब इनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो अब ये इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो इनको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है मैनी हैव टर्न टू मैथमैटिक्स आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन मैथमेटिक्स गणित यानी कि कई लोगों ने मैथेमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा किया जब उन्होंने इनकी एक बुक गणिति करके जो है वो रेफर की द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूजिक्स आप कई सारी इंडियन म्यूजिक्स पर भी इन्होंने बुक लिखी है जैसे नाद वेद लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में जपुरजा लिखा है पेंटिंग कैनवस वेस्टर्न फिल्म लाइम लाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक्सोनी और बुक सच एज जीनियस सीरीज रक्ता और विटामिन और अनर्था तो बेसिकली ये सारे इनके जो वर्क रहे हैं किस में रहे हैं लिटरेचर्स में रहे हैं इट इज़ दीज रिएक्शन ऑफ थाउजेंस ऑफ रीडर्स एंड द फीडिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट ऑफ थाउजेंस इफ नॉट लैक्स ऑफ माई रीडर्स दैट कीप्स मी गोइंग तो इसी के साथ वो बोल रहे हैं इसके साथ साथ मुझे रीडर्स के काफ़ी सारे रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं जो कि मुझे मिल जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स के रिएक्शंस मिलते हैं और उनकी जो फीलिंग्स होती है तो बहुत ही हार्ड टचिंग फीलिंग्स होती है क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो इससे चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंज हो रही है तो मैं मुझे और मंद होता है मैं और मोटिवेट होता हूँ किस चीज़ के लिए कि मैं और कुछ लिखूँ जिससे कि लोगों की लाइफ में बदलाव आए ओके वाई आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी वैन आई लुक बैक देर नंबर ऑफ लेसन एंड वैल्यूज देट आई चेरिश एंड कीप लर्निंग अबाउट ईवन टूडे तो वो बोल रहा है कि मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लेसन्स है जो मैंने सीखा है और मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या सीखा है और हमेशा उनको चेरिश करता हूँ हमेशा खुश होता हो कि अच्छा है मुझे जिंदगी में ये चीज़ जो है वो सीखने मिली है और मैं आज भी सीख रहा हूँ आज भी मेरा सीखना खत्म नहीं हुआ है आज भी मैं सीख रहा हूँ सम ऑफ दीज आर थर्स्ट फॉर नॉलेज अब जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो क्या है थर्स्ट फॉर नॉलेज एक तो नॉलेज की वो जो भूख प्यास लगी रहती है वो एक हो गई हमारी ह्यूमिलिटी एक है क्यूरियोसिटी इंसानियत ह्यूमैनिटी रैशनैलिटी इक्वेलिटी टीम वर्क क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस नेवर से डाय थिंकिंग बिग तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो आज भी क्या कर रहे हैं आज भी उनको अपनी लाइफ में सीखने का मौका मिल रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ इस चैप्टर से बच्चों हमको बहुत ही अच्छी सीख मिली है कि चाहे कुछ भी हो जाए चाहे हमको कोई चीज़ नहीं भी आए वी शुड नेवर एवर गिव अप इन आवर लाइफ इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वन बच्चों वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा पार्ट थ्री डेफिनेटली उसमें मैं आपका आइस ब्रेकर और बेन जो है वो कम्प्लीट करवा दूंगी टिल देन स्टेट यून टू आर लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच